आपने बरसाने की लठमार होली तो देखी ही होगी। ठीक उसी तरह बुंदेलखंड के चित्रकूट में दीपावली के दूसरे दिन से लगभग 7 दिन तक लठमार दिवाली होती है, जिसमें ढोलक की थाप पर थिरकते जिस्मों के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि दीपावली अमावस्या के दूसरे दिन परिवार से चित्रकूट में लठमार दिवाली खेलने वालों का जमावड़ा लगता है, जहाँ उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से सैकड़ों गाँवों के दिवाली खेलने वाले ग्रामीण अपने अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कामतगिरी के परिक्रमा क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर दिवालियों का जमघट देखने को मिलता है। यह टोलियां चित्रकूट होने के बाद गांव-गांव भी घूमती हैं। द्वापर में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उनके उपलक्ष्य में दिवाली चालू हुई थी, तब से हमारी बिरादरी इसको मनाती चली आ रही है। हमको यहाँ आते हुए 11 साल हो गए। किस तरीके से आप लोग नाच गा करके मनाते हैं, नृत्य करते हैं, खेल करते हैं, कूद खेल करके आदमी को दिखाते हैं, ऐसा सभी हमारा खेल है। अच्छा है कि ये जो आग पर लोग नृत्य देख रहे हैं मोर के द्वारा लाठी डंडे चला करके, और एक इनका जो गणवेश है एक अद्भुत है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो आज ये चित्रकूट धाम कामतानाथ के परिक्रमा परिसर में जो हमें देखने का मिला, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भी ऐसे कला कृतियाँ दिखाई जाती थी, जो नया जो जनरेशन है वो इसको देख करके ये एहसास करता है कि हमारे पूर्वज भी कितने आर्टिस्ट हुआ करते थे। इन ये कला देख करके ये महसूस होता है कि ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही मैंने सांस्कृतिक कला का केंद्र रहा है, ये जो आज भी जीवित है हुआ है। ये चाहे उत्तर प्रदेश हो और राज्य और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर में है, ये एक विशेष कला है, ये जिसको दूर दूर देखने के लिए लोग आते हैं कि हमारे भगवान के उसमें इष्ट में ये सब लोग नाचते गाते, ये है। कम से कम 10,000 लोगों की संख्या रहती है। आज के दिन यहाँ आश्रम के अंदर 10,000-15,000 लोग सब नाचते गाते हैं, गिल्ली डंडा और ये अपना खेल खेलते हैं। आसन प्राणायाम जैसा बनता है उस आधार से परंपरा कृष्ण की भी है और राम की भी है। कोई भी नृत्य हो, जैसे आपका पाणिनि प्रवेश आय जो है कौमदी लघु सिद्धांत भगवान के उससे निकला डमरू से, उसी आधार से परमात्मा एक रूप, राम हो या कृष्ण हो, उन्हीं के उस रूप बनाया जाता है।